नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। तो दोस्तों, आज हम एक आईफोन की फ्लैशिंग दिखाएंगे आपको। आईफोन 6 है, और आईफोन की फ्लैशिंग की कहां से हम फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से हम इसकी फाइल डाउनलोड करें, और किस टूल से हम फ्लैश करें, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, आप अगर नए हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से हम फ्लैश करते हैं, कहाँ से इसकी फाइल डाउनलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चालू फ़ोन है इसलिए हम लाइव प्रैक्टिकल लाइव वीडियो आपके लिए दे रहे हैं। ये आईफोन एक रिकवरी मोड में भी जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको आगे अपने पीसी में दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे फ्लैश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने एक आईफोन 6 आपको दिखाया है और उसे हम फ्लैश करेंगे। सारी चीज़ें आपको दिखाया, सेट ऑन है, सारा लाइव आपके सामने है जो भी है दोस्तों। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम इसकी फ़ाइल कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसकी फ़ाइल दो सोर्सेज से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी फ़ाइल हम दो सोर्सेज, एक होता है गूगल, एक होता है टूल। आप टूल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे इंटरनेट गूगल के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको गूगल में टाइप करना है IPSW, IPSW, और इंटर कर देना है। अब जैसे इंटर कर देंगे तो आपको एक साइट खुलेगी। IPSW, जैसे आपने IPSW को सर्च किया, इंटर किया, तो आपकी एक साइट खुल जाएगी IPSW दोस्तों। तो आप देख रहे हैं IPSW डाउनलोड्स पे जाना है। अब आपको देखिए, जो आपका अगर आईफोन है, अगर आईपैड है, अगर आई टच है, आईपल टीवी है, जो भी आपका है, आप यहाँ पे सारे फॉर्मवेयर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टॉक रोम आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हमारा ये आईफोन 6 है, मतलब आईफोन है, तो हम आईफोन पे जाएंगे तो आपको मैं दिखा दूँ, ये आपका iPhone 11 Pro तक, iPhone 11 Pro तक आपको फाइलें, मतलब सारी फाइलें आपको आईफोन के यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपकी फाइल डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। तो हमारा दोस्तों है iPhone 6 है, तो अपने iPhone 6 पे जाएंगे। ये है हमारा iPhone 6, जो कि हमारी ये फाइल है 12.4.4, ये हमारी फाइल है दोस्तों। तो एक सोर्सेज आपकी ये डाउनलोड होगी। अब दूसरी चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये आपकी ये तो डाउनलोड होगी। अब आप दूसरा आप पा सकते हैं, आप उसके थ्रू आप जा सकते हैं, टूल के थ्रू, तो आप टूल के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो हमने फाइल को डाउनलोड कर चुकी है, तो हम आपको फाइल दिखा देंगे कि वो फाइल कहाँ से है दोस्तों। आपको अगर परफेक्ट, मतलब सही तरीके से चाहिए कि आपका iPhone 6 है कि क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप फ़ोन को कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें, जैसे कि iPhone 6 है, आपका क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा सोर्सेज होता है टूल, मैं आपको बता दूँ, दूसरा सोर्सेज होता है टूल। आप टूल के माध्यम से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि टूल के माध्यम से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टूल 3U टूल, या तो आप आईट्यून, आप वहाँ से डाउनलोड, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, बस आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप कहीं भी ना करें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या दिखाना चाहता था, ये iPhone 6 है। iPhone 6 क्या होता है, कोई भी फ़ोन यूज़र्स को पता नहीं होता कि iPhone 6 है, कि 6S है, 7 है, 7 Plus है, 6 Plus है। तो वो आपको परफेक्ट जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाएंगे iPhone 6 में, आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, iPhone 6 है कि 7 है। अब आप गो फ्लैश पे टिक करेंगे दोस्तों, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो बस जस्ट मैं आगे आपको आपकी फाइल दिखा देता हूँ। तो दूसरा सोर्सेज आपका ये होता है दोस्तों, आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें आपको आगे दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको फाइल दिखा दूँ, जैसा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, 4.7.12.4.4, ये उसकी फाइल है दोस्तों। तो अब इसकी हम फाइल को देंगे दोबारा से, तो इसको हम डिलीट करेंगे। अब इसकी हम फाइल को इम्पोर्ट करेंगे। कहाँ क्या करेंगे, अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास फाइल है तो आप इसे इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद जहाँ आपकी फाइल है आपको लोकेशन देना है। तो हमारी ये फाइल है, अब दोस्तों ये देखिए स्टैक हो रही है, मतलब लोड हो रही है, 3U टूल में लोड हो रही है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसीलिए बोला है, स्टेप बाय स्टेप आप उसे फॉलो कर सकते हैं सारा चीज़। अब ये जैसे ही पूरा वेरीफाई हो जाएगा और फिर ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा।
तो जैसा कि आप मैं आपको दिखा दूं, ये हमारी फाइल इंपोर्टेड हो चुकी है। अब इसे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। ये बैकअप के लिए पूछ रहे हैं, कोई भी बैकअप। अब ये हमारी फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूंगा, एक ही ये रिकवरी मोड पे जाएगा, 5 फाइव फाइव पे अभी 6 हो गया है, तो दोस्तों आप जो भी देख रहे हैं सब लाइव है, ऐसा कोई भी स्किप और फेक वीडियोस नहीं है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। 7% इसमें आपका, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि ये नेट कनेक्ट होना चाहिए, नेट से कनेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका होगा, सर्वर से काम करता है। और सारी चीज़ें आप लाइव ही देख रहे हैं, iPhone 6 की फ्लैशिंग आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक रिकवरी मोड पे भी जाता है, रिकवरी मोड पे जाके फ्लैश होगा, वो सब ऑटोमेटिक ही होगा, आपको DFO मोड पे कनेक्ट करना है, बाकी का काम वो खुद से करेगा। 9, अब वो देखिए इंटर रिकवरी मोड, ये देखिए इंटर रिकवरी मोड, जैसे ही उसमें क्लिक किया तो हमने यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, फ़ोन अभी की रिकवरी मोड पे जाएगा। उन्नीस पे अब हमारी देखिए, ये जो डॉट दिख रही है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी 19 पे फ्लैशिंग चली गई है, रिस्टोरिंग मतलब DFO मोड पे। ये हमारा जो दिखा दूँ आपको दोस्तों, ये DFO मोड पे कनेक्ट हुआ था, ये 12 सेंडिंग, ये आपकी बाकी का प्रोसेस लाइव ही चल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपका दिखाना ये उद्देश्य था कि यहाँ पे ये फ्लैशिंग, ये देखिए दोस्तों, ये रिकवरी मोड पे चला गया, DFO से रिकवरी में चला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये 20 फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ट्वेंटी 1% हो चुकी है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी फ्लैशिंग चल रही है। और आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो मैं आपसे फिर से रिमाइंड करा दूं, हमारे इंस्टीट्यूट में नया आईफोन का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, 15 फरवरी से हमारा न्यू बैच आईफोन का स्टार्ट होगा, जो कि मैं आपको बता दूं, 15 फरवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा आईफोन ट्रेनिंग पे, जो कि इंडिया लेवल पे हम सबसे बेस्ट बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे बेसिक और बेसिक से लेकर के एडवांस सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ 1 महीने का फुल कोर्स है, जिसमें आप 15 दिन बेसिक टू एडवांस है, फिर और 15 दिन आपको CPU लेवल पे सारा चीज़ सिखाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी 27, हम वीडियो को एक भी स्किप नहीं करेंगे, कोई भी एरर ऐसा नहीं आया, मतलब कोई भी एरर आएगा तो आपको हम दिखाएंगे सारा चीज़। और दोस्तों, अगर आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का फुल नॉलेज चाहिए तो आप एसआई टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको सॉफ्टवेयर का प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो भी आप एसआई टेलीकॉम, हमारा सॉफ्टवेयर बैच में आपको अपडेट करा दूँ, हर महीने का 13 से स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर का बैच, आप सॉफ्टवेयर का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, 33% हो चुका है।
अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारे चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं बनती है। आप अगर फ्रेशर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी वीडियो होती है ये। और आप पहले से काम कर रहे हैं तो छोटे मोटे एरर होते हैं, उनको भी फाइंड आउट करना है आपको, तो आप हमारे ऐसे टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 50, 51, 52, छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा। अगर ये 20 से 80 के बीच में रुकता है तो ये आपका नैंड का प्रॉब्लम होता है, और आपका अगर 80 से ऊपर कोई एरर आता है तो आपका बेस बैंड का एरर होता है, जो बेस बैंड हार्डवेयर पे आपको काम करना होता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों iPhone 6 की आपको वीडियो दे रहे हैं फ्लैशिंग कि कोई भी एरर आया, डिसेंबल पे आया, अगर लोगों पे ऐसा कुछ होता है जो iTunes मोड पे होता है, तो आप कैसे उसे इजीली आप कर सकते हो। हम इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ाइल की लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से जा करके फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 80% हो गया सेंडिंग बेस बैंड डाटा, आप जैसा कि देख रहे हैं। अगर ये 81 से ऊपर कोई एरर आता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें बेस बैंड का इशू होता है। बेस बैंड IC पे आपको काम करनी होगी। इसमें iPhone 6 की फ्लैशिंग आप देख रहे हैं। क्रिएटिंग सिस्टम की बैग, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपसे बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर आप नए हैं इस चैनल में नए हैं तो आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको नए वीडियोस हमेशा अपडेट आपको मिलता रहे सारी चीज़ें। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, इसलिए मैंने वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं किया हुआ है। आप लाइव ही देख रहे हैं सारी चीज़ें। आप कोई भी एरर देखिए दोस्तों, ये हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा देता हूँ कि ये देखिए हमारा ये फ़ोन हो चुका है जैसा भी है। देखिए डाटा केबल से लगा ही हुआ है, तो जस्ट कोई भी हमारे चैनल में फेक वीडियो नहीं होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं,
सारा स्टेप बाय स्टेप ही आपके सामने काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फेक वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको। ये वही सीट है iPhone 6, सारी डिटेलिंग हम आपको कर चुके हैं, सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उसे करना है, क्या करना है, कैसे किस मोड में लाके आपको फ्लैश करना है, सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, अभी फ़ोन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एप्पल iPhone 6 की फ्लैशिंग, फ़ोन हम फ्लैश क्यों करते हैं, फ्लैशिंग के दौरान आपका iCloud नहीं जाएगा। मैं पहले बता दूं iCloud पे हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम वीडियो बनाए हैं iPhone 6 की फ्लैशिंग जो कि आप देख रहे हैं। एप्पल आईडी, जैसा कि देखिए यहाँ पे स्टेटस भी शो हो रहा है कि आप इसमें एप्पल आईडी देंगे तो आपका फ़ोन यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, बट आप जैसा देख रहे हैं कनेक्टिंग, फ़ोन आपका कनेक्ट है। एक्टिवेट लॉक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट लॉक, मतलब इसमें iCloud लगा हुआ है, तो जैसे ही आप एप्पल आईडी और पासवर्ड डालेंगे आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से डाटा केबल को इंसर्ट कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है पूरी तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं iPhone 6 की जिस कंडीशन में फ़ोन थी उस कंडीशन में हमारी फ़ोन आ गई, आपको इसी में हमने दिखाया था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।